हेलो। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्सव का 10वां दिन है और हमारे साथ एक वरिष्ठ एक्टर, इस देश के जाने माने कलाकार श्री अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं। आज हम उनसे रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी थिएटर की जर्नी जो उन्होंने आज तक जिया है थिएटर में, उस एक्सपीरियंस को सुनेंगे हम। आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल कि आप शिद्दत के साथ जो जेन्यूनली सुनना चाहते हैं वो रेगुलर आते हैं। मैं उसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। अखिलेंद्र मिश्रा इज एन इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर, बेस्ट नोन फॉर हिज रोल एज क्रूर सिंह इन द 1990s दूरदर्शन फैंटेसी टेलीविजन सीरीज चंद्रकांता। हिज अदर नोटेबल वर्क्स इंक्लूड द कैरेक्टर ऑफ मिर्ची सेठ इन द 1999 क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म सरफरोश। ही ऑल्सो प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन इन द एकेडमी अवार्ड नॉमिनेटेड फिल्म लगान। ही वॉज बोर्न इन सिवान, बिहार। अखिलेंद्र कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन इन सरन। ही प्लेड द डेमन किंग रावणा इन द 2008 टेलीविजन अडेप्टेशन ऑफ द हिंदू एपिक रामायणा। मिश्रा प्लेड द एंटेगनिस्ट ऑपोजिट सलमान खान इन वीरगति, रिलीज्ड इन 1995. May I invite Shri Akhilendra Mishra on the stage and take a seat. Shri Akhilendra Mishra. मैं जयंत देशमुख, हमारे देश के एक वरिष्ठ निर्देशक, वरिष्ठ आर्ट डायरेक्टर, नॉन आर्ट डायरेक्टर, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ देकर अखिलेंद्र मिश्रा जी का सम्मान करें। मैं श्री कमलाकर जी सोनटक्के सर का अभिनंदन करता हूं और उन्हें डायस पर इनवाइट करता हूं। प्लीज़ सर, सोनटक्के सर मंच पर आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। हम पिछले कुछ दिनों से इस फेस्टिवल को देख रहे हैं, फेस्टिवल का आनंद ले रहे हैं, नाटकों का आनंद ले रहे हैं। उसी तरह हमारे ये जो इंटरफेस और मास्टर क्लास हुई हैं अभी तक, शुरू में नीतीश भारद्वाज जी थे और उसके बाद दर्शन जरीवाला जी थे और आज हमारे साथ अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं। कल हमारे साथ हरीश भिमानी जी थे। मुझे लगता है कि हम इन सब की बातें सुनकर, इनकी जर्नी सुनकर एनरिच होते हैं। देखिए, लर्निंग कहीं से भी हो सकती है, सीखना, हम स्टूडेंट्स हैं। मैं आज भी अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं और मुझे एक अच्छी चीज़,
एक घंटे में भी सुनाई देती तो मैं उसको फॉलो करने लगता हूँ, ब्लाइंडली फॉलो करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। उसी तरह से हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, हमारे आसपास के लोग, हम लोग तो बड़े और छोटे तो होते ही नहीं है जो फील्ड में हैं हम लोग, हम में बड़ापन और छोटापन तो है ही नहीं, हम समान हैं सब लोग। क्योंकि जो चीज़ मैं जानता हूँ शायद आप ऐसा कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए हम सब अपने आप में एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए इस फील्ड में हैं, और इसीलिए फील्ड पूरी दुनिया जुड़ी हुई है इसके अंदर, पूरी दुनिया का समावेश है इसमें। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कई दिनों से सुन रहा हूँ तो आज मेरा मन हुआ कुछ बोलने का, तो मैं मैं श्री अखिलेंद्र मिश्रा जी को डायस पे इनवाइट करूँगा कि वो अपना सेशन शुरू करें। श्री अखिलेंद्र मिश्रा। सबके सामने आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलैवलंबिलंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद बडमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम। भगवान शिव के डमरू से निकले 14 सूत्र और उन 14 सूत्रों से निकली सारी विद्याएं, सारी विधाएं, सारी कलाएं, सारी भाषाएं। उसी में से एक विधा ये थिएटर, भावों का भंडार थिएटर, रसों का संचार थिएटर, परंपराओं का विस्तार थिएटर, संस्कृति का प्रतिबिंब थिएटर, समाज का दर्पण थिएटर, आंदोलन का बीज थिएटर, परिवर्तन का विजाति थिएटर। भरत मुनि का नवजात थिएटर और ये थिएटर ओलंपिक्स 2018 सिलसिला पूरे देश में, और इस समय हम लोग मुंबई में रविंद्र नाट्य मंदिर। बहुत बहुत बधाई हो हम सबको। आदरणीय सोंडके साहब, हमारे वरिष्ठ मित्र आदरणीय अशोक बातिया जी, जयंत देशमुख जी, और हमारे सारे माननीय थिएटर इज स्पिरिचुअल जर्नी। देखिए मैं बोलूंगा हिंदी में लेकिन बीच बीच में अंग्रेजी छलक जाएगी। जो चीज आदमी को नहीं आता ना वो छलक जाया करती है। थिएटर जो है एक आध्यात्मिक यात्रा है, एंड एक्टर इज स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। अभिनेता आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, एंड एक्टिंग इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। एक आध्यात्मिक साधना है अभिनय। थिएटर को मैं क्यों आध्यात्मिक मानता हूं, समझता हूं, या मैंने क्यों ऐसा महसूस किया? मैं जब स्कूल कॉलेज में था तो मेरा पहला नाटक जो था एकदम गांव में था जहां लाइट भी नहीं थी, जो मेरा गांव था सिवान द्रवंदा थाना कोल्हुआ गांव। बाल विवाह पर एक नाटक था गौना के रात, उसमें मैंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था। फिर हमारा शहर जो था छपरा, जहां हम रह कर पढ़ते थे,
जहाँ हमारे पिताजी की पोस्टिंग थी वहाँ हम नाटक किया करते थे। वहाँ एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई महेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित किया हुआ था उस जमाने में, और तब से वो सिलसिला वहाँ चल रहा है। नाटक वहाँ एमेच्योर ही हुआ करता था और हुआ करता है, लेकिन छोटे शहरों में अक्सर, हाँ उस जमाने में, अभी तो पता नहीं है, उस जमाने में ये हुआ करता था कि आप अगर संभ्रांत परिवार से हैं, थोड़े प्रतिष्ठित परिवार के हैं शहर में, तो आपको अच्छा रोल मिल जाएगा। अगर नाटक हो रहा है आप वहाँ गए हैं तो, और शायद ऐसा ही कुछ हुआ कि मुझे भी अच्छे रोल मिलने लगे वहाँ। मुझे एक्टिंग का कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं अच्छा रोल करता था वहाँ पे, अच्छे बड़े रोल्स करता था। वहाँ के नाटकों में मैंने हीरो का भी रोल किया, जबकि हीरोइन वहाँ कोई लड़कियाँ नहीं होती थी, क्योंकि संभ्रांत परिवार से कोई लड़की नहीं आती थी नाटक करने। ये मैं 80s की बात बता रहा हूँ, 80 के दशक की बात बता रहा हूँ। तो PRD जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता था, वहाँ की जो कलाकारा होती थी वो हीरोइन के रूप में हायर की जाती थी। तो एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस के साथ मैं एज ए हीरो काम करता था, जबकि मैं बहुत ज़्यादा एमेच्योर था और मुझे अभिनय कुछ वैसा पता नहीं था। ये सिलसिला हुआ चला, माताजी चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं, इंजीनियर नहीं बन पाया मैं, क्योंकि पटना में जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, कोचिंग कर रहा था, तो वहाँ भी मैंने थिएटर शुरू कर दी। फाइनली हमने BSc ऑनर्स कर लिया, फिजिक्स ऑनर्स, MSc करने वाला था। मुझे लगा कि अगर मैं MSc कर लिया तो मैं लेक्चरर बन जाऊंगा, क्योंकि मेरा रिजल्ट जो था थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था। नहीं नहीं नहीं, चौंकने की बात नहीं, मैं पढ़ने में बहुत कमाल नहीं था, लेकिन जो पढ़ के जाता था वही परीक्षा में आता था। अब इसको भाग्य कहिए, जो भी कहिए। अब मुझे लगा कि मैं लेक्चरर अगर बन गया यहाँ पे, क्योंकि उस जमाने में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है तो डायरेक्ट वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता था आपको, और आप किसी न किसी कॉलेज में लेक्चरर होते थे। मैंने कहा यहाँ से निकलना चाहिए, कैसे निकलूं? लेकिन पिताजी से कहे कौन, उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको घर से परमिशन मिल जाएगा नाटक करने के लिए और फिर फिल्मों में काम करने के लिए। तो मैंने अपने माताजी को सिफारिश की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। एक्टर, एक्टर क्या होता है, बट एक्टर यहाँ जो नाटक वाटक करे ले हुए काफी बा। तो मैंने कहा इंजीनियर बने के कहानी, तो इंजीनियर तो बन लेना। मैंने इंजीनियर बनना था तुम्हें, इंजीनियर तो तुम बने नहीं, अब तुम एक्टर बनोगे। तो मैंने कहा कि माँ मैं अगर एक्टर बन गया तो मैं इंजीनियर भी बन जाऊँगा, डॉक्टर भी बन जाऊँगा, वकील भी बन जाऊँगा, कलेक्टर भी बन जाऊँगा, IAS IPS सब। तो मेरी माँ ने कहा कि अरे ऐसा कौन काम है कि सब बन जाओगे। मैंने कहा ऐसा है ना एक्टर, अच्छा। तो मैंने माँ को फुसला के, क्योंकि माँ मेरे उस जमाने की थी और इतना ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी उनको, किसी तरह पिताजी तक बात पहुंची। बहुत संघर्ष रहा घर में ही, परमिशन मिला, हम नाटक में थोड़ा खुले कि हम करना शुरू करें। खैर मैं सीधे आता हूँ, मैं मुंबई आकर मैंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA ज्वाइन किया। जब मैं यहाँ आया तो मुझे कहा कि अच्छा आ गए, चलो झाड़ू लगाओ। तो मैंने कहा है तो हाँ झाड़ू लगाओ, रिहर्सल शुरू होने वाली, सब आएंगे अभी, तो झाड़ू लगाओ। तो हमने कहा झाड़ू, झाड़ू लगा दिया, चेयर्स वगैरह सब लगा के रखो सब अभी सब, और ये मार्किंग है यहाँ यहाँ चेयर्स रखो, ये सेट्स का, अभी रिहर्सल शुरू होगी, सब आ जाएंगे सीनियर्स। तो मैंने कहा ये क्या है? तो ये बैक स्टेज है। अब मैं अपने शहर में छपरा में मैंने बैक स्टेज नाम का कुछ शब्द कुछ सुना ही नहीं था। तो ये बैक स्टेज है बाबू, थिएटर करना पहले बैक स्टेज करना पड़ेगा। मैंने कहा बैक स्टेज, मैंने कहा चलो
बैक स्टेज कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा बैक स्टेज में, तो पता चला बैक स्टेज में तो कपड़े आयरन करवा रहे हैं, लॉन्ड्री से लेके आ रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी लेके खड़े हैं एंट्री पे, ये क्या कर रहे हैं, सेट्स लगवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, भिंडी बाजार जाके शॉपिंग चल रहा है, वहाँ ख़रीदारी हो रही है, ये कुछ वैसा लैंप चाहिए, कुछ वैसा कोट चाहिए, वैसा हैट चाहिए, ये सब चल रहा है, धूप में भाग रहे हैं, घूम रहे हैं भूखे प्यासे सब, बैक स्टेज बैक स्टेज। मैंने कहा बनने तो मैं एक्टर आया था यार, ये बैक स्टेज ये बहुत गड़बड़ बात है। मैंने तो बहुत मतलब मुझे रोल कब मिलेगा, मतलब ये था कि रोल कब मिलेगा, मतलब ये तो बहुत गड़बड़ है। देखो बेटा पहले बैक स्टेज करना सीखो। अभी सीनियर्स से इस तरह की बातें होती थी, हम बैक स्टेज करने लगे। फिर प्रमोशन हुआ हमारा कि भाई जो क्राउडेड प्ले होता था क्राउड में चांस मिल गया, मतलब स्टेज पे आने का मौका मिल गया, तो अब तो पैर जमीन पे ही नहीं है कि मतलब अब हम स्टेज पे आ जाएंगे। बकरी सफेद कुंडली राक्षस क्राउड में आ गए, करते रहे कितने शोज बैक स्टेज और क्राउड सीन्स। मुझे बहुत दिनों के बाद यह एहसास हुआ कि बैक स्टेज करना और क्राउड सीन करना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मेन एक्टर होता है या सपोर्टिंग जो भी बड़े बड़े रोल्स के एक्टर होते हैं, वो सिर्फ अपने रोल्स पे ध्यान देते हैं और अपने रोल्स की तैयारी करते हैं। लेकिन जो बैक स्टेज वर्कर होता है या जो क्राउड सीन वाला होता है, वो पूरे प्ले को देख रहा होता है और हर कैरेक्टर को जी रहा होता है वो, और हर कैरेक्टर में होता है वो, और वो हर कैरेक्टर कैसे किस दृष्टिकोण से वो सोचता है और सामने वाला कैसा कर रहा है वो परफॉर्म भी मन ही मन कर रहा होता है। ये एक जाने अनजाने बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही थी मेरे अंदर, और लगता था कि पूरा प्ले मुझे याद है, हर कैरेक्टर का रोल याद है, और सचमुच याद हो जाता था। और नतीजा ये हुआ कि मोटे राम का सत्याग्रह में मैं एक छोटा सा रोल कर रहा था, सुधीर पांडे गए तो एम एस सत्यू ने कहा कि कम डू इट। मैंने कहा मजिस्ट्रेट का रोल, मैं कहा डू इट, और मुझे मालूम नहीं मैं खड़े होकर कर दिया रिहर्सल में, मैंने कर दिया। एक और द्रोणाचार्य में मैं बैक स्टेज कर रहा था, जो डायरेक्टर मुझे खड़ा नहीं करता था बैक स्टेज में, वहां क्यों खड़े हो, उधर ही साइड में खड़े करो, इधर रिहर्सल चल रही है, वो डायरेक्टर कि अर्जुन नहीं आया, अर्जुन का रोल तुम करो, ये शो तुम करोगे, तो पता चला मैं अर्जुन कर रहा हूं। चंदू भी नहीं आया, सुदेश बेरी की शूटिंग निकल आई है, चंदू नहीं आया, चंदू भी तुम करोगे, तो मैं एक ही शो में अर्जुन भी कर रहा हूं, गेटअप बदल के फिर चंदू की एंट्री कर रहा हूं, फिर अर्जुन फिर चंदू। अब तुम अश्वत्थामा करोगे और फाइनली मैं आज तक द्रोणाचार्य का रोल करता हूं। प्ले का नाम है एक और द्रोणाचार्य, डॉक्टर शंकर शेष का प्ले है, सुभाष डंगाई जी उसके डायरेक्टर हैं, 34 साल से प्ले चल रहा है, क्योंकि वो प्ले मेरे हृदय के इतने करीब है कि मैं आज तक उस प्ले को छोड़ नहीं पाया हूं, मैं अभी भी द्रोणाचार्य का रोल करता हूं उसमें। सो बैक स्टेज और क्राउड का सीन करना थिएटर एक्टर्स के लिए कितना जरूरी है, ग्रोथ के लिए, कल्टीवेशन के लिए, ये मुझे समझ में आया। मैं ये घटना और सुनाता हूं, शायद ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। एक घटना ऐसा है कि एके हंगल साहब ने मुझे एक बात बताई थी, उनसे एक बार मेरा झड़प हो गया था रोल्स को लेके कि मुझे रोल क्यों नहीं मिल रहा है, मैं बैक स्टेज ही करता रहूं। तो
और उस नाटक के डायरेक्टर थे बामन केंद्रे। राजदर्शन हो रहा था, उसकी कास्टिंग चल रही थी और हम जद्दोजहद में थे कि हमें भी एक रोल मिल जाए, हम भी एक रोल करें। तो हंगल साहब ने मुझे एक बात बताई। हंगल साहब ने एक नाटक डायरेक्ट किया था 1955 में, 1955। नाटक का नाम था डमरू, और डमरू में जो लड़का रोल कर रहा था वो लड़का नहीं आया शो पे, और शो शुरू होने वाला है, आया ही नहीं। बहुत ही ये हो गया कि क्या होगा, अभी तो तीसरी घंटी हो जाएगी, जो लड़का आया नहीं। उस जमाने में मोबाइल फोन और फोन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक लड़का आया, कहा, बैक स्टेज करता था, कहा कि हंगल साहब मैं ये रोल कर दूं क्या? चलो आ जाएगा वो लड़का, जाके बैठो उधर, ये करेंगे। डांट दिया उसको, उस लड़के को, उस एक्टर को जो बैक स्टेज कर रहा था। वो एक्टर सचमुच नहीं आया, तीसरी घंटी जाने वाली थी, छबील दास में शो था उसका। हंगल साहब को क्लिक किया कि वो बोल तो रहा था, बहुत कॉन्फिडेंटली कर लेगा क्या, बुलाया, इधर आओ, लाइन से याद है, कर लोगे? उन्होंने कहा जी कर लूंगा, जा तैयार हो, जा एंट्री लो। वो तैयार होकर एंट्री करने गया, और उस लड़के ने उस शो में वैसा परफॉर्मेंस किया कि प्रीवियस एक्टर ने भी वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया था। उस एक्टर का नाम था संजीव कुमार। नाटक में बैक स्टेज कितना इंपॉर्टेंट है, अभी समझ में आया? या छोटे रोल्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्राउड सीन कितना इंपॉर्टेंट है, इसका जीता जागता उदाहरण मैं खड़ा हूं। एक्टर अर्न्स फ्रॉम थिएटर, स्पेंड इन फिल्म्स। अभिनेता जो है वो थिएटर से कमाता है, सिनेमा में खर्चा करता है। अब एक इंटरव्यू में मैंने एक जर्नलिस्ट को बोल दिया कि मैं थिएटर से कमाता हूँ, फिल्मों में खर्चता हूँ, तो उसने लिख दिया कि अखिलेंद्र मिश्रा इतना पैसा मिलता है थिएटर में उनको कि वहाँ से कमाते हैं और फिल्मों में खर्चते हैं। तो मुझे फोन आया कि ये क्या बोला है तुमने, ये तो इंटरव्यू में ऐसे छपा है। मैंने कहाँ छपा है, यहाँ यहाँ छपा है। मैं पढ़ा, मैं तो बहुत अफसोस किया कि मैंने उस जर्नलिस्ट को ऐसा क्यों बोला, वो तो समझ ही नहीं पाया। एक्टर सचमुच थिएटर से ही कमाता है। अब आप भी पूछिएगा कैसे कमाता है, बताओ। एक नाटक उसका रिहर्सल 30-40-50 दिन होता है, 2 महीने तक होता है एक नाटक, और हर 2 नाटक के बीच 24 घंटे का समय मिलता है, हर 2 रिहर्सल के बीच 24 घंटे का समय मिलता है नाटक के बारे में सोचने का, अपने कैरेक्टर के बारे में सोचने का, अपने को कैरेक्टर्स के बारे में सोचने का, और फिर आप दूसरा रिहर्सल अटेंड करते हैं। फिर दूसरा रिहर्सल करने के बाद फिर 24 घंटा मिलता है, फिर सोचिए, फिर तीसरा रिहर्सल, फिर चौथा रिहर्सल, फिर सोचिए पांचवा रिहर्सल, फिर सोचिए। ये एक सिलसिला चलता है, हर 2 रिहर्सल के बीच में आपका मंथन, आपका चिंतन, पूरे 40-50 दिन या 60 दिन तक। मतलब एक एक्टर का ब्रेन किस लेवल पे एक्सरसाइज होता है उस 60 दिनों में, उस 40 दिनों में एक नाटक करते हुए। उस वक्त एक्टर की कमाई होती है, वो जो चिंतन है 24 घंटे का, 2 रिहर्सल के बीच का, वो चिंतन है एक्टर का बैंक बैलेंस, जो फिल्मों में आके खर्चता है। वो फिल्मों में क्या होता है, असिस्टेंट सीन लाएगा, सर रेडी है, हाँ चलिए टेक शॉट रेडी है, इतना बड़ा सीन दे दिया आपको, आप जाइए फटाक से कीजिए, और जितनी जल्दी टेक करेंगे उतने अच्छे एक्टर कहलाएंगे आप।
वहां क्राइटेरिया ही अलग है। अब दूसरी बात मैंने कही कि एक्टर इज स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, अभिनेता आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। थिएटर में हमेशा होता है बॉडी स्पेस, अपने बॉडी को कितना इस्तेमाल कर सकते हो स्पेस के साथ। बॉडी को जानना बहुत जरूरी है, शरीर क्या है। शरीर क्या है, जिस शरीर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या शरीर एक्टर है? नहीं, शरीर एक्टर नहीं है, शरीर तो आपका इंस्ट्रूमेंट है, एक्टर आप हैं। ये आपका शरीर है, आप शरीर थोड़े ही हैं। जैसे आपकी पांच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, उसी तरह आपका एक पूरा शरीर है। लेकिन आप एक्टर हैं, क्योंकि आप प्योर सोल हैं, आप आत्मा हैं, सच्चित आनंद हैं, और आपने इस बॉडी को होल्ड किया हुआ है। बॉडी ने आपको होल्ड नहीं किया हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। लगता है कि ये बॉडी ही मैं हूं, मैं अखिलेंद्र मिश्रा, नहीं, मेरा नाम अखिलेंद्र मिश्रा। हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मोर देन 75 ट्रिलियंस, इतने सेल्स हैं हमारे बॉडी में, और हर क्षण सेल्स मर रहे हैं और जी रहे हैं, पैदा हो रहे हैं हर क्षण। और हर सेल का एक मन है। जब हमारे मस्तिष्क में अगर एक थॉट आता है, चाहे वो हमने कुछ देखा या सुना या सूंघा या छुआ या कुछ पढ़ा या जो कैरेक्टर कर रहे हैं, वो कैरेक्टर, कोई भी एक थॉट हमारे मस्तिष्क में जब आता है तो उसका असर हमारे 75 ट्रिलियन सेल पे एक साथ पड़ता है। ऐसा नहीं कि आधे पे पड़ा आधे पे नहीं पड़ा, नहीं, क्योंकि हर सेल का अपना एक मन है, हर सेल का। एक्टर इस सृष्टि में ब्रह्मा के बाद है, मालूम है आपको? अगर इस सृष्टि में कोई है ब्रह्मा के बाद, तो वो एक्टर है। एक्टर ब्रह्मा एक साथ इस सृष्टि में 84 लाख योनि जीते हैं, एक साथ, एक क्षण में। और उसके बाद एक्टर ही है जो एक क्षण में एक साथ दो कैरेक्टर जीता है, दो चरित्र जीता है। बीइंग अखिलेंद्र मिश्रा, कि अखिलेंद्र मिश्रा तो है, ये साथ में द्रोणाचार्य भी है, साथ में चंद्रशेखर आजाद भी है, साथ में क्रूर सिंह भी है, और भी उदाहरण है, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, खामखा किसी और का दूंगा कॉपीराइट का चक्कर हो जाएगा। क्योंकि श्वास जो है, श्वास लेना, ये जानना, ये सीखना बहुत जरूरी है एक्टर के लिए। क्योंकि इस सृष्टि में पूर्ण श्वास दो ही लोग लेते हैं, या तो सिंगर या तो एक्टर, और कोई नहीं लेता। आम आदमी सांस लेता है, क्योंकि पांच वायु है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, और ये पांचों वायु हमारे श्वास के लिए है, हम श्वास लेते हैं। यहां से हृदय तक प्राण वायु, जो कि जनरल है, सब कुछ लेता है, सब कोई वही सांस लेता है, प्राण वायु। हृदय से जब नाभि तक जाते हैं, अपान वायु, नाभि से नीचे जाते हैं, व्यान वायु, और यहां से जब मस्तिष्क जाते हैं, उदान वायु, जो लोग लेता ही नहीं,
जब पंचम सुर लगता है तब जाके वहां उदान वायु आता है, और समान वायु मतलब डीप ब्रीथ, फुल ब्रीथ, पूरा सांस। तो कहते हैं ना, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, पूरा पूरी सांस ले, गहरी सांस ले, फुल ब्रीथ, टेक फुल ब्रीथ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वो क्या है, फुल ब्रीथ में एक साथ आपके पांचों वायु आते हैं, उसको कहते हैं समान वायु। उसी तरह पांच शरीर है। एक्टर को यह जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं, पांच शरीर है, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, सुपर कॉजल बॉडी, और हिंदी में कहेंगे तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और पांचों यही है, ये लेयर्स है, और उसी को कहते हैं ऑरा। देखते हैं ऑरा, चेक करते हैं। कहते हैं ना आजकल बड़ा सोशल साइट पे चलता होगा, ऑरा चेक योर ऑरा, डेवलप योर ऑरा, एनर्जी, पता नहीं कुछ चलता रहता है, वही है। क्योंकि ये शरीर इस सृष्टि का मिनिएचर है, जो खंड में है वही पिंड में है, यही है। जो ऊपर के जो सात लोक हैं, जो 14 भुवन जो है ना, सात ऊपर सात नीचे, वो यहां है। भू भुवः स्वः महर जन तप ब्रह्म। एक्टर इसकी यात्रा करता है सातों लोक की, ये याद रखिए। मैं जब मुझे रोल मिलने लगे और मैं जब रोल करने लगा तो डायरेक्टर कहता था कि अखिलेंद्र तुम फील नहीं कर रहे हो, फील करो। तो मैं बड़ी ताकत लगाता था फील करने के लिए। क्या यार, मोनोटोनस हो रहा है, सब गड़बड़ है, दिख ही नहीं रहा है कुछ। कैरेक्टर कैरेक्टर फील करने, यार कैरेक्टर फील, समझ में नहीं आता था कैरेक्टर फील कैसे किया जाता है। अब डायरेक्टर से पूछे कौन, और डायरेक्टर बताते भी नहीं थे कि कैसे फील किया जाता है। वो खाली कहते हैं कि फील करो, कैरेक्टर फील करो। और ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये आज भी हो रहा है हर स्कूल में, हर ट्रेनिंग जगह, हर जगह। अगर आप लोग स्टूडेंट है तो पूछेगा अपने सर से या अपने डायरेक्टर से कि भाई फील कैसे किया जाता है। अब डायरेक्टर बोले कि फील, मैं कहा कि ज्यादा पूछ बोलूंगा, रोल से निकाल ना दे, बड़ा मुश्किल से रोल मिला है यार, ये तो मतलब गड़बड़ है, कैसे मैं फील करूंगा, कैसे फील करूं मैं कैसे अच्छा एक्टर बनूंगा, फील करूंगा। मैंने अपने सीनियर से पूछा कि सर फील कैसे किया जाता है, क्या फील? मैंने कहा नहीं, वो कैरेक्टर परफॉर्म जब करते हैं तो फील। तो दूसरे ने कहा क्या क्या बोल रहा है? कल नहीं, वो ये कैरेक्टर फील करना चाहते हैं। अच्छा, इतनी जल्दी? ओ तेरी तो, मैं तो गया भैंस पानी में भाई, ये क्यों पूछा मैं? तो मुझे ऐसा लगा कि जानबूझ के ये लोग नहीं बता रहे हैं, ये चाहते नहीं मैं सीखूं, मैं जानूं कि फील कैसे किया जाता है। लेकिन सालों बाद मुझे पता चला कि वो जानबूझ के नहीं बता रहे थे, ऐसा नहीं था, उनको पता ही नहीं था कैसे फील किया जाता है। जबकि बहुत अच्छे एक्टर थे, अच्छे एक्टर कहे जाते थे, अच्छे रोल्स कर रहे थे। तो अगला नया आदमी उसी से पूछेगा ना, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ग्रुप में, आपके इंस्टीट्यूशन में बड़ा रोल कर रहा, उसी से पूछेगा आदमी। क्योंकि डायरेक्ट मेन रोल कर रहे थे, डायरेक्ट बड़े रोल मिल रहे थे उनको, क्योंकि क्राउड सीन और बैक स्टेज में कभी थे ही नहीं। तो जब तक क्राउड सीन और बैक स्टेज नहीं कीजिएगा थिएटर में, तब तक फील नहीं मिलेगा आपको। मैंने कहा कि ना,
फील तो करके रहूंगा। अब इस पर काफ़ी मैंने जद्दोजहद की, मैं रोल्स करता रहा, मैं टेलीविज़न में आ गया, मैं कोशिश करता रहा, बीच बीच में फील करता था फिर निकल जाता था, पता नहीं चलता था कैसे किया था फील। कई बार क्या होता है, आप सचमुच फील करने लगते हैं और पता चला निकल गया, वो निकल गया, जा वो कैसे किया था यार मैंने, तब अच्छा आ रहा था, अभी गड़बड़ हो गया। कई बार ऐसा लगता है, वो थिएटर हो या सिनेमा हो, जब भी आप ऐसे रोल्स करते हैं। तो मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो ये था कि अगर कमाल एक्टर बनना है किसी को तो सिर्फ अपनी सांसों को पकड़ के रखे, सिर्फ श्वास पे ध्यान दे, जब आप श्वास पे ध्यान देते हैं तो आप साइलेंस में चले जाते हैं और आप श्वास का जो रिदम है उसको महसूस करते हैं, और जब उस रिदम को महसूस करते हैं, दैट लैंग्वेज ऑफ रिदम, दैट लैंग्वेज ऑफ साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ रिदम, एंड दैट लैंग्वेज ऑफ रिदम इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ कॉन्शियसनेस, जुड़ा हुआ है। और जैसे वो रिदम आप में आता है, एक वाइब्रेशन होता है, एंड वाइब्रेशन क्रिएट्स एनर्जी इक्वल टू एमसी स्क्वायर। और उसके बाद आपकी तैयारी अगर यहां तक है, तब दुनिया का कोई भी कैरेक्टर आपको पढ़ाया जाए और उसका थॉट जब दिमाग में आता है थॉट जब आता है तो थॉट कौन लेके आता है? मन लेके आता है, मस्तिष्क लेके आता है थॉट, बुद्धि उसे देखती है, उसका विश्लेषण करती है और आत्मा उसको महसूस करती है, फील करती है। यही फीलिंग शुरू होता है, यही फीलिंग शुरू होती है। और जैसे फीलिंग शुरू होती है, जैसा थॉट वैसी फीलिंग, और वैसा ही एक वृत्ति आप में उत्पन्न होगी जिसको अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं। तो कहते हैं ना कि बड़ा एटीट्यूड है यार फलना में, बड़ा एटीट्यूड दिखा के चला गया, मैं तो उससे बात ही नहीं करूंगी। यार बंदा क्या एटीट्यूड वाला, यार सचमुच हिला दिया यार, वो क्या है? क्योंकि उस पे हावी है उसका वो थॉट, एक्स्ट्रा लगेज वाला, वैसा फील कर रहा है उस थॉट के जरिए, इसलिए वैसी वृत्ति उत्पन्न हुई, इसलिए सबको दिखा कि अगले में एटीट्यूड है। तो जैसे एटीट्यूड आता है आपका एक्शन शुरू होता है, आपका व्यवहार शुरू हो जाता है उसी तरह का। यानी कि जिस कैरेक्टर का थॉट आया उस वैसा आपने महसूस किया, आपकी बुद्धि ने एनालाइज किया, आत्मा ने महसूस किया, फीलिंग शुरू हुई, एटीट्यूड आया, एटीट्यूड आते ही आपका व्यवहार शुरू हो गया, एक्शन शुरू हो गया, व्यवहार रिपीट होता है, पता चला द कैरेक्टर इमर्जेस बिफोर यू विच यू आर प्लेइंग। जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं वो आपके सामने खड़ा हो गया। दूसरी बात, जब भी हम कोई कैरेक्टर करते हैं, जब भी
कि कोई दुख वाला रोल कर रहा है, तो आप सचमुच उस तरफ चले जाते हैं जहां डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, और डे बाय डे आपकी एनर्जी कम होती चली जाती है। क्योंकि जब तक आप के पिट्यूटरी ग्लैंड से और पीनियल ग्लैंड से डोपामाइन करके एक द्रव्य है जो जिसका स्त्राव होता है, सिक्रीशन होता है, जो दिमाग को शांत करता है, कूल करता है, ठंडा करता है, उसका स्त्राव नहीं होगा। आप क्या करते हैं, सिगरेट पिए तो वो बंद हो गया, वो स्त्राव ही बंद हो गया, उसका रास्ता ही बंद कर दिया आपने, तो माइंड शांत नहीं हुआ, न ठंडा हुआ आपका। ऊपर से ठंडा पानी पी लिया आपने, यार बहुत भयानक है ठंडा पानी, अरे ठंडा लेके आओ यार, गड़बड़ है ये। अच्छा मैं कोई भी बात बता रहा हूं आप लोगों को, ये मेरे एक भी शब्द पढ़े हुए सुने हुए नहीं है, ये मेरे एक एक शब्द प्रयोग किए हुए हैं और देखे हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जब आप को जब रिलैक्स होना है, जब आप रिलैक्स की प्रक्रिया में जाते हैं, जो कहते हैं ना कि योगा करो, ध्यान करो, ओम करो, शंख बजाओ, तो बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन दो तरह का द्रव्य का सिक्रीशन होता है। ये मस्तिष्क की बात कर रहा हूं मैं, ये मेडिकल साइंस है, ये मेरी अपनी शोध है, मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं फिजिक्स का, लेकिन चूंकि मैं एक्टर हूं तो एक्टर को क्या क्या चाहिए, चूंकि लेटर एज में एक्टरों को बहुत ज्यादा इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है, वो क्यों झेलनी पड़ती है, वो सब कारण बता रहा हूं आपको। रोल कर जाना, तालियां बटोर लेना, तारीफें बटोर लेना, पुरस्कार ले लेना, कमाल है, लेकिन जो सेहत का बैंड बजता है, जो मस्तिष्क लेवल की जो चीजें शुरू होती हैं शरीर में, क्योंकि पूरा बॉडी तो यहीं से कंट्रोल हो रहा है, पूरा खेल तो यही है, तो क्या क्या हुआ, थिएटर इज ए स्पिरिचुअल जर्नी, एक्टर इज ए स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, एक्टिंग इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये थोड़ा थोड़ा है, बाकी विस्तार होगा तो बहुत समय लग जाएगा, और कुछ और चीजें हैं जो थिएटर से मिलती हैं, वो भी बता ही देता हूं। सक्सेस की कुछ कुंजियां हैं, सफलता की कुछ कुंजियां हैं, चाबियां हैं, ना ना बाजार में नहीं मिलता भाई, वो थिएटर में मिलता है। और सबसे पहली कुंजी है धैर्य, पेशेंस, वो थिएटर देता है। अनुशासन, डिसिप्लिन, वो थिएटर देता है। किसी भी परिस्थिति से जूझ जाना, वी आर नॉट द क्रिएचर ऑफ सर्कमस्टांसेस, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। एक्टर वो है कि नहीं है, अरे मेक बिलीव करवाते हो यार, जो नहीं है वो भी तुम दर्शकों को क्रिएट करके मनवा देते हो, तो फिर एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रचित होना, अपने आप में एकाग्रचित होना, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस में फर्क है, एक चीज नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन
अपने आप को एकाग्रचित करना, अपने चित्त को एकाग्र करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सफलता की कुंजी एकाग्रता की शक्ति में निहित है। एकाग्र चित्त होना, अपने चित्त को एकाग्र करना और किसी और पे एकाग्र होना, वो फोकस है। फोकस करो, उस पॉइंट को फोकस करो, उसे तुम्हें भेदना है, उस बिंदु को फोकस करो। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, ये थिएटर देता है आपको। पॉज कम कर भाई, प्ले लंबा हो जाएगा। तुमने इतना पॉज क्यों ले लिया आज के शो में? अब झगड़ा चल रहा है। तुम बहुत स्लो स्पीच कर दिए यार, कोई पेस ही नहीं था आज, ये क्या है? सो टाइम मैनेजमेंट, और अपने संपूर्ण ऊर्जा का केंद्रीकरण, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ योर होल एनर्जी, पूरी एनर्जी को सेंट्रलाइज करता है एक्टर और फिर प्रोड्यूस करता है अपना परफॉर्मेंस। क्योंकि जो बंच ऑफ एनर्जीज हैं, जो बॉक्सेज हैं एनर्जीज के, वो एक्टर के पास है। एक्टर पूरी एनर्जी को भर के और फिर स्टेज पे जाता है परफॉर्म करने, जो कैमरे के सामने आता है। ये सारी चीजें थिएटर देती हैं, थिएटर में ही मिलता है, और कहीं नहीं मिलेगा भाई, और कहीं नहीं मिलेगा। मिल सकता है, कहीं जगह होंगे, लेकिन मैं थिएटर की बात कर रहा हूं। या देवी सर्वभूतेषु थिएटर रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद। भाई अखिलेंद्र जी ने एक ऐसी यात्रा पे है, ये मतलब समा बांध दिया कि हम अपने आपे में नहीं रहे थे, हम एक दूसरी दुनिया में एक उड़ान पे चले गए थे। उनके विचार तो है ही, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति जो है, इट वॉज टोटल एंड आउट परफॉर्मेंस, एंड ग्रेट हैंड टू अवर भाई। सहजता से शुरू किया मुझे, लेकिन पता नहीं, मैं मतलब इनके पिछली जीवनी के साथ जोड़ना चाहता हूँ। आप पाठशाला में पढ़े हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं, आप पंडित के घर जन्मे हैं। रुकावट थी मंच की ओर जाने की, क्योंकि वो अनभुज रहा थी, इस वजह से माता पिता जो होते हैं वो सुरक्षा की बात देखते हैं। लेकिन ऐसे अनभुज रास्ते पे निकल पड़ना, ये मुझे लगता है भाई की आंतरिक ऊर्जा का हिस्सा था। ऊर्जा तो थी, अवकाश मिलना बहुत मुश्किल, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण प्रदेश से वो आते हैं, करीबन हम सारे उसी मतलब यात्रा से गुजरे हैं। लेकिन शायद उनका स्व जो था, उसकी खोज उनको बहुत पहले लगी थी, और उसी कारण यात्रा में जो भी रोड़े आए हो, जो भी बाधाएं आई हो, उन्होंने बैकस्टेज का महत्व रंगमंच के लोगों के लिए बहुत बहुत आग्रहपूर्वक सामने रखा। यदि आपको टोटल थिएटर पर्सन होना है तो वहाँ समय बिताना, दिन बिताना, और सुभाष के साथ उन्होंने काम किया, सुभाष डंगाइच, वो मेरे साथ शुरू हो गए थे निर्देशन में। हनगल साहब का जिक्र आया, आई हैवंट सीन अ ग्रेट एक्टर लाइक हिम, ग्रेट डिसिप्लिनेरियन। गोदान जब हम कर रहे थे, हनगल साहब धोती और बंडी पहन के 555 सिगरेट चूसते हुए बाहर खड़े रहते थे कि नहीं, मेरा निर्देशक आएगा, उसका समय जाया नहीं होना चाहिए, सो लेट मी बी प्रिपेयर्ड।
दोज वेर द डेज. और इप्टा, इप्टा ने मुझे लगता है कलाकार नहीं दिया है, एक जीवन दृष्टि कला दी है भारतीय रंगमंच को, भारतीय मतलब अभिव्यक्ति जगत को. मैं भाई को कुछ पूछना चाहूँगा. वेन्यू आपने ये तो बता दिया कि मतलब आप मेथड सिस्टम से भी जा सकते हैं, आप ब्रेक के तटस्थतावाद से भी जा सकते हैं, आप मतलब क्रुएल्टी की ओर भी जा सकते हैं, थिएटर की कई विधाएं हैं और नाट्यशास्त्र का तो है ये वास्तववादी करने के लिए. लेकिन आज का मन जो है वो किसी एक अभिव्यक्ति की दिशा से हम नहीं जा पाएंगे, मिला जुला अनुभव देना होता है. जब आप तटस्थ रहकर किसी भूमिका की ओर जाते हैं तो आपकी जो यात्रा है वो थोड़ा सा यदि बयान करेंगे, क्योंकि उन्होंने इवन किन्नर का रोल किया है उन्होंने, आई रिमेम्बर इट इफ यू अलाउ मी टू. ये आदमी एक ओर तो शैतान दिखता है, दूसरी ओर रावण करता है, तीसरी ओर द्रोणाचार्य करता है, लगान में मतलब वो लोहार का रोल करता है, वो मिर्ची बाबा जो था ठेठ मतलब एक्सप्लॉइटर्स क्या होते हैं उसके यदि आदर्श उदाहरण है तो इनके ये रोल्स के दिए जा सकते हैं. और फिल्म के लोगों के, फिल्म के चरित्रों के उदाहरण देना, इसको मैं कतई कतई गैर या पाप मानता नहीं हूँ, क्योंकि इट इज दीज आर द रोल मॉडल्स फॉर द पब्लिक फॉर कंजम्पशन. थिएटर तो ठीक है 400-800 लोगों के लिए होता है, लेकिन वहाँ भी वही सच्चाई है जो अभिव्यक्ति के लिए आपके काम आ सकती है. लेकिन लगान का हिस्सा होना ये क्या था? क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ने नामचिन एक भी आदमी उसमें नहीं लिया, इवन द लीड गर्ल शी वाज फ्रॉम सीरियल, छोटी छोटी टेलीविजन की लड़की थी, बाकी सारा जो मतलब ग्राम प्रदेश खड़ा किया था सौभाग्यवश 99% राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वो लोग थे. और मुझे लगता है कि रीढ़ यदि बनाई है लगान की तो इन कलाकारों ने बनाई है. आप कैसे मतलब प्रक्रिया क्या थी उस रोल की, या एकाध दूसरा और भी रोल मतलब? लगान का हिस्सा बनना अपने आप में बड़ा अद्भुत संयोग है, क्योंकि मैं सरफरोश फिल्म कर चुका था आमिर खान के साथ और वो पहली बार अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर रहे थे और उनकी पहली फिल्म प्रोडक्शन हाउस की लगान थी. मुझे बुलाया गया कि ऐसे ऐसे है, फिल्म का नाम है लगान. लगान? मैंने कहा मैं फिल्म करूँगा. कहा क्यों? मैंने कहा यार मैं फाइनली किसान परिवार से हूँ और मेरे दादा परदादाओं ने भी लगान दी है, तो मैं बिल्कुल करूँगा. एज एन एक्टर मुझे मौका मिले तो इस तरह की फिल्म का मैं हिस्सा बनूँगा. और पूरा एक उन्होंने एक्टर सेलेक्ट कर लिए, लेकिन कौन एक्टर क्या रोल करेगा उसके लिए उन्होंने एक एक कैरेक्टर्स की ऑडिशन रखी, उन्होंने सीन्स करवाए उन्होंने कि ये और उस तरह से वो फाइनल होते चले गए. कास्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया और जाना था 6 महीने के लिए सब काम छोड़ के. कई लोगों ने चलती हुई टेलीविज़न सीरीज जो उनका रनिंग था वो छोड़ दिया और कई लोगों ने अपने जो भी कमिटमेंट थे वो पीछे हट गए फिल्मों को लेके कि नहीं मैं जा रहा हूँ 6 महीने के लिए, मुझे ये करना ये. क्योंकि हर आदमी को ऐसा लगा कि कुछ कमाल होने वाला है, पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन था कुछ कमाल होने वाला है, कुछ अच्छी फिल्म बनेगी, कुछ अच्छा हम करेंगे. कहीं ना कहीं जो लोग जुड़े हुए थे जितने एक्टर्स वो अपने आप को रिलेट कर रहे थे उस सब्जेक्ट से, चूँकि गांव का सब्जेक्ट था, किसानों की बात थी, लगान की बात थी, तो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था. हो सकता है 2 जन्म पहले शायद ये लोग भी लगान दिए हों, मैं भी शायद उस समय कोड़े खाया हुआ हूँ कि अंग्रेज़ों का उस जन्म में, इस जन्म में एक्टर बन गया हूँ और मुझे वो करने का मौका मिल रहा हो, तो इस तरह का एक आकर्षण था. और उसके बाद हम लोगों ने वो फिल्म की. वहाँ ये होता था कि हर आदमी, हर एक्टर जब बैठते थे साथ में, इंक्लूडिंग आमिर खान, आशुतोष ग्वारीकर,
तो अपने कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन नहीं होता था, ये होता था कि तुम इसके कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हो, तुम इसके कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हो, उसके इसके इसके इनके कैरेक्टर के बारे में क्या। अलग अलग एक्टर जो रोल कर रहा है वो उसका डिस्कशन नहीं करेगा, अलग अलग एक्टर जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो अब अलग अलग करेगा, अपना करेगा ही नहीं, ये डिस्कशन होता था। और ये हर रोज, ऑलमोस्ट हर रोज होता था। और फिर फाइनली जब शूटिंग रफ्तार में जब आ गई, एक रफ्तार शूटिंग पकड़ लिया, तो ये डिस्कशन उस तरह से नहीं रहा, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी फिर गप्पे मारना, फिर सेट पे क्या हुआ ये। लेकिन हम लोग जब काम कर रहे थे सर, तब तभी पता चल रहा था कि कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। और वो सारे एक्टर एक साथ जब थे तो ऐसा लग रहा था कि एक वर्कशॉप में ही बैठे हुए हैं, जैसे 6 महीने का एक वर्कशॉप ही चल रहा है। उसमें तो दो चार ऐसे, कहना नहीं चाहिए, दो चार ऐसे भी एक्टर थे जो दूसरे रोल्स के जो साथ बैठे रहते थे, वो भी मतलब बहुत कुछ उन्होंने सीखा एज एन एक्टर। ये उन्होंने कमिट किया, उन्होंने खुद कहा कि हमें बहुत कुछ मिल गया ये 6 महीनों में एक वर्कशॉप की तरह। तो इस तरह की चीज़ें थी। और एम्बियंस जो है वो मेरे लिए बहुत, मतलब मैं ये मानता हूँ कि एम्बियंस एक्टर को खुद ले जाता है वहाँ पे। क्योंकि जब आप परफॉर्म करने भी जाते हैं कोई रोल, या सेट पे या स्टेज पे, तो जो एम्बियंस होता है, कई बार स्टेज पे भी हम नाटक कर रहे होते हैं और अगर लाइटिंग करेक्ट नहीं है, वो मूड नहीं है, तो स्पीच खराब हो जाता है कई बार। क्योंकि ये प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा है, और ये आपके अंदर का जो प्रकाश है उसको कनेक्ट करता है। देखिए सर, मैं हर चीज़, क्योंकि बहुत ही आस्तिक आदमी हूँ, तो हर चीज़ स्पिरिचुअल की तरफ चला जाता है। अच्छा, स्पिरिचुअल का मतलब वो कोई धर्म और रिलीजन नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये वो स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूँ जो विवेकानंद ने बात की हुई है। तो प्रकाश जो है जोड़ता है आपको, आपके अपने प्रकाश से। अब आप जब स्पीच डिलीवर कर रहे होते हैं तो वो आपको पूरा मूड देता है, एक उसका कारण है। तो एम्बियंस जो था वहाँ लगान के सेट पे, वो एम्बियंस, क्योंकि जब भी सीन होता तो पता चला कि सचमुच ओरिजिनल ब्रिटिशर्स आके घेरे हुए हैं, कोई इंडियन थोड़ी बना है ब्रिटिशर्स, वो तो सचमुच बना और अंग्रेजी ही बोल रहे हैं वो। और वो इतने कैरेक्टर में थे कि वो मतलब वैसे ही रहते थे वो। हाँ, मतलब डरा के रखूंगा मैं, मैंने इंडियंस को, हम लोग उस एरा में हैं, मैंने इस तरह से वो लोग कैरेक्टर जी रहे थे, इस तरह से था। तो वो एक अलग अद्भुत, क्या बात है। चंद्रशेखर के बारे में मतलब व्यक्तित्व मैं भी जानना चाहूँगा, क्योंकि वो भी एक अलग मोड पे ले जाने वाली। जी जी जी, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ये हुआ कि मुझे फ़ोन आया कि राज जी मिलना चाहते हैं, राजकुमार संतोषी जी। तो मैं गया मिलने, तो राज जी ने कहा कि अखिलेंद्र, मैं चाहता हूँ आप चंद्रशेखर आज़ाद करें। तो मैंने कहा, सर मैं चंद्रशेखर आज़ाद, मैंने कहा मैं लगूंगा नहीं सर, मैं लगूंगा नहीं, वो देश के रियल हीरो हैं, रोल ग्रैब करने के चक्कर में मैं हाँ बोल दूँ लेकिन देश की जनता मुझे माफ़ नहीं करेगी, मैं लगूंगा नहीं सर, मैं बहुत बफून लगूंगा, अच्छा नहीं लगूंगा। तो उन्होंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा कि मैं बिल्कुल, मेरा तो कुछ डिलडॉल मिलता ही नहीं, मैं कैसे लगूंगा? तो उन्होंने कहा कि यू आर द नियरेस्ट, मैं जितने लोगों से मिला हूं यू आर द नियरेस्ट। तो मैंने कहा अच्छा। तो मेरे दिमाग में आया कि यार अखिलेंद्र मिश्र, ज्यादा डिप्लोमेटिक मत बन, थोड़ा सा क्लेवर हो जा, रोल मिल रहा है ग्रैब कर। हाँ, तो मैंने कहा कि अच्छा सर, तब तो मेरे को, मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, कब से शूटिंग है, तो इतने तारीख से शूटिंग है, अब तो टाइम भी नहीं है, 2 महीना टाइम है, मुझे तो बहुत बॉडी वॉडी बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ऐसा। तो वो रोल मुझे फिर मिला और मेरा एक ट्रायल फोटो शूट शुरू हुआ, उस समय जिस तरह का मैं दिखता था उस पर। और 2 महीने मैंने रिग्रेस एक्सरसाइज की, कुछ 20 किलो वजन मैंने चढ़ाया उसके लिए, जिसमें से 10 किलो निकला, 10 अभी भी है, उसी भी चढ़ा हुआ। तो उसके प्रोड्यूसर टिप्स वाले थे रमेश तौरानी और कुमार तौरानी, तो उनके CEO थे राजू हिंगुरानी, पैसे की वही बात करते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है मैं बता रहा हूँ। तो उनको मैंने एक बिल दिया कि
1.5 लाख रुपए बॉडी बनाने का और 1.5 लाख बॉडी घटाने का। तो उन्होंने कहा कि अरे पैसे की तो बात हो गई, ये कौन सा बिल है? तो मैंने कहा बॉडी बनाना है आज़ाद के लिए, मैं दिखूंगा कैसे, और ये मैंने कहा ये घटाना है, फिल्म बनने के बाद तो घटाऊंगा ना, वही लेके थोड़ी घूमूंगा सब रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं 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 भाई, ये बनाने तक ठीक है, घटाने का मैं नहीं जानता, ये कंपनी घटाना उठाना कंपनी कैसे, मतलब। मैंने कहा सर मैं वही बॉडी लेके थोड़ी घूमूंगा, खर्चा होगा सर, मतलब मैं तो उतना पैसा थोड़ी कमाता हूँ, बुरा मुझे करना पड़ेगा, ट्रेनर रखना पड़ेगा, उसका भाड़ा होता है, पैसा मंथली होता है, वो सब करना पड़ेगा। तो इस तरह की घटनाएं घटी। और मैंने आज़ाद के बारे में, सबसे कमाल बात ये रही कि उस समय मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ आज़ाद की तैयारी की, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ी उनके बारे में, पढ़ने पर रोना आता था उनके बारे में, उनकी जीवनी को पढ़ने में। और मैं तैयारी के वक्त ही चटाई पर सोना शुरू कर दिया था। और हम वो पुणे में शूटिंग कर रहे थे, हम ब्लू डायमंड 5-स्टार होटल में हम लोग ठहरे हुए थे, और मैं बिस्तर पे नहीं सोता था, मैं नीचे एक दरी लेके गया था जिस पे एक्सरसाइज करता था, मैं उसी पे सोता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि, और ऐसे भी एक्सरसाइज वगैरह करके उसी पे लेट जाता था तो और अच्छा लगता था। तो मैं वैसे तो वो पूरा मैंने कैरेक्टर को जिया, मैं मुझे लगा कि मैं आज़ाद, जैसे हुआ ना कि आज़ाद में घुस जाओ, कैरेक्टर में घुस जाओ, तो वो घुसने के बाद फिर निकलना भी बड़ा मुश्किल था सर। तो वो रोल हमने की, और सबसे खूबसूरत बात है कि लोगों को पसंद आया जो मेहनत हमने की, और बिल्कुल मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। मैं उन दिनों मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने दूसरा, मैं किसी दोस्त से भी नहीं मिलता था, मैं कुछ नहीं करता था, और सिर्फ एक्सरसाइज करना, उनके बारे में पढ़ना, ये तैयारी थी, या फिर उनकी शूटिंग जब थी शेड्यूल तो शेड्यूल में जाता था, वहाँ भी बहुत मस्तियाँ होती थी, लेकिन मैं पार्टियों में, मैं वो गैदरिंग में जाता नहीं था, मैं अपने कमरे में रहता था, फिर भी खींच के ले जाते थे, फिर भी मैं भाग आ जाता था, ऐसा कुछ था वो। क्या बात है, मुझे लगता है दर्शकों में से कुछ सवाल आ जाए तो अच्छा होगा। कन्या पूछो तुम, मतलब चुप चुप क्यों? नमस्कार सर, मेरा नाम उत्पला अधिकारी है। नमस्कार। और मैंने थिएटर की पढ़ाई की है 10 साल पहले, और मुझे सारे NSD वालों ने ही पढ़ाया है। सर मुझे लगता है आपका आज का जो सेशन था, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव अटेंडेड, और इट वाज रियली मार्वलस, क्योंकि आपने इतने कम समय में आपने पूरा सम अप कर दिया। मुझे लगता है थिएटर का जो सार है वो आपने, मतलब मुझे लगता है इतने कम समय में बताया है, और मुझे 10 साल लगे हैं, ये आपने जो कुछ भी कहा है मुझे 10 साल लगे ये सारा सीखने में, क्योंकि मैंने 2006 और 7 में थिएटर की पढ़ाई की, और मेरा पूरा जो क्रिएटिव जर्नी है पिछले 10 साल का रहा है थिएटर के बाद। सर मेरा सवाल है, आपने ब्रह्मा जी के बारे में जो कहा अभी, लेकिन ब्रह्मा जी का तो पूजा बंद हो गया था, तो मतलब ब्रह्मा जी और कला की जो आपने बात कही, तो ब्रह्मा जी की पूजा तो मेरे ख्याल से बंद कर दी गई थी, और उनके तो मंदिर भी नहीं है, दो है मेरे ख्याल से सिर्फ, एक राजस्थान में और एक यहाँ पे है महाराष्ट्र में, तो इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि ये बहुत आपने जो ये बात कही तो मुझे लगता है कि कलाकार भी जो है, जैसे उनकी पूजा बंद कर दी गई, तो कलाकार भी हमेशा समाज में हास्य पर ही रखा गया है, आज भी वो वैसा ही है, मुझे ऐसे लगता है। सतयुग खत्म हो रहा था, 4 युगों की परंपरा है, आप लोगों को अगर मालूम हो तो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग खत्म हो रहा था और त्रेता की शुरुआत हो गई थी, और हुआ कि त्रेता में तो बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, लोग करेंगे क्या, लोग कहीं अपने रास्ते से भटक न जाए, उनके लिए कुछ मनोरंजन चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को ये कहा कि ऐसा कुछ रचो, नाटक की परंपरा, जिसमें नाटक हो, लोग देखेंगे,
लोगों को एंटरटेनमेंट मिलेगा, मनोरंजित होंगे वो लोग, इसमें इन्वॉल्व होंगे, काम धाम करेंगे और बाकी मारपीट करेंगे या व्यसन में पड़े जाएंगे, अलग अलग व्यसन में, इसलिए कुछ मनोरंजन होना चाहिए, ये उद्देश्य था। और तब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था। भरत मुनि ने उस वक्त जो पहला नाटक किया वो था देवासुर संग्राम, और देवासुर संग्राम में कोई महिला पात्र नहीं थी। महिला के पात्र भी पुरुष ही किया करते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि लोगों को उतना मज़ा नहीं आया, चूँकि कोई महिला पात्र है नहीं, महिलाएं कर नहीं रही हैं, तो कैसे होगा ये। तो ब्रह्मा जी ने स्वर्ग की जो अप्सराएं थी उनको आदेश दिया कि तुम लोग जाके ये नाटक में भाग लो और नृत्य करो। तो वो अप्सराएं आती थी भाग लेने। ये नाटक की परंपरा वो है भारतवर्ष की। शेक्सपियर बहुत बाद में आए हैं, हमारे यहां शेक्सपियर को ही पहले पढ़ाया जाता है, भरत मुनि वहां रखे हुए रैक पे। तो ये ब्रह्मा जी की एक तरह से, चूंकि ब्रह्मा जी को ये था कि हमने सृष्टि जो बनाई है और उसमें जो हमने मनुष्य बनाई है, जितने जीव बने, चूंकि सारे जीव में जो कॉमन है वो आहार, मैथुन, निद्रा और भय, ये चार चीज कॉमन है सब में, है हर जीव में है, लेकिन बुद्धि और विवेक सिर्फ मनुष्य में है, विचार मनुष्य में है, अभिव्यक्त करने की शक्ति सिर्फ मनुष्य में है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको जो बनाया मैंने इसके लिए कुछ तो चाहिए, सृष्टि तो बना दी बड़ी खूबसूरत, कहीं तहस नहस ना हो जाए, ठीक, खुरापाती भी बहुत है इसमें। तो जाके इसकी रचना हुई और नाटक की शुरुआत हुई। तो ये जड़ है। और वैसे भी ब्रह्मा, मैंने इसलिए कहा ब्रह्मा का जिक्र इसलिए किया कि ब्रह्मा 84 लाख योनि जीते हैं एक पल में एक साथ, और एक एक्टर जब एक किरदार कर रहा होता है उस वक्त दो रूप जी रहा होता है, एक खुद और एक वो कैरेक्टर। क्योंकि ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण पंचभूत से करते हैं, और श्री कृष्ण इस सृष्टि का निर्माण अपने संकल्प से करते हैं, और उसके बाद अगर कोई है इस सृष्टि में तो वो एक्टर है जो अपने संकल्प से एक चरित्र करता है, एक कैरेक्टर खड़ा करता है। संकल्प, सम्यकल्प, यानी कि सम्यकल्पना, वो एक्टर है। इसलिए हमने कहा ब्रह्मा के बाद अगर कोई है तो वो एक्टर है। अब इसका विस्तार हमने उस समय नहीं बताया क्योंकि छोटा भी करना था जी। और कोई? हेलो सर, मेरा नाम राहुल शेंड है। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो बायोलॉजिकल चीज़ें बताई, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सीक्रेशन, ये बहुत कम लोग बताते हैं जो टेक्निकल चीज़ें। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि एज एन एक्टर, जब हम स्टैनिस्लावस्की, ग्रोटोवस्की, आर्तो ब्रेक्ट, मेयरहोल्ड अगर सब बाजू में रख दें, और एक्टिंग को अगर ये कंसिडर करके एक टेक्निक है, इट्स अ मैकेनिकल थिंग, अगर ऐसा कंसिडर करें हम, तो क्या एक अभिनेता उस चरम सीमा पर, अभिनय की चरम सीमा पर पहुँच सकता है? इसको सिर्फ एज अ टेक्निक कंसिडर किया जाए तो अभिनय को? अब ये प्रयोग मैंने कभी नहीं किया है। मैंने उतनी ही बातें बताई जितनी मैंने प्रयोग की है, और मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग का कोई टेक्निक होता है। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, तभी तो मैंने फीलिंग वाली बात की कि मैं कई सालों तक फीलिंग से लड़ता रहा। मैं नाटक में रोल करता था, डायरेक्टर के डांट भी खाता था कि फील करे यार, फील नहीं कर रहा है, पेट में मार दे, यहां से करना, यहां से निकालना। अब कैसे निकालूं, कैसे फील करूं, बताता था, कोई नहीं था, इसलिए मैंने वो फीलिंग वाली बात बताई। जब तक आप फील नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। फील करेंगे तो भाव आएगा, भाव करेंगे तो रस की उत्पत्ति होगी, निष्पत्ति होगी, और रस की निष्पत्ति होगी तो आपके दर्शक उसका रसास्वादन करेंगे, और जब रसास्वादन करेंगे तो आनंद से विभोर हो जाएंगे और तालियां बजेंगी और कहा जाएगा कमाल परफॉर्मेंस रहा आज का, ये एक्टर कमाल है राहुल, समझे। तो मुझे नहीं लगता कोई टेक्निक वेक्निक है ये।
अब होता भी होगा, कोई करते हो, मैंने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया, होता भी होगा, लोग आजकल टेक्निक सिखाते हैं, अखबार में आता है लर्न एक्टिंग टेक्निक 3 मंथ, वो कुछ चल रहा है आजकल, एक एक अलग मोमेंट है वो, थिएटर ओलंपिक्स अलग मोमेंट चल रहा है। उनसे पूछे थिएटर ओलंपिक्स के बारे में जानते हो, तो कहेंगे ये क्या है भाई, कोई नया खेल शुरू हुआ है क्या ओलंपिक, थिएटर का ओलंपिक का फुटबॉल शुरू हो गया क्या थिएटर में, वो एक अलग अलग कुछ जोनर है भाई, 3 मंथ्स एक्टिंग टेक्निक, उसमें हथौड़ा वो करछी वो क्या क्या किला वाला सब सिखाते हैं। जी बताइए। एक सवाल सर, आपने कैरेक्टर में अंदर जाने की बात की, बाहर आने की आपने नहीं बताया कि कैसे बाहर आना है सर, वो बता दीजिए। मैं वहाँ थोड़ा छोटा कर दिया था, मैंने वहाँ थोड़ा छोटा कर दिया था, इसलिए हमने चक्रव्यूह में आप चले गए। हाँ नहीं वो मैं नहीं चाहता आप लोग अभिमन्यु की तरफ हंसे, मैं चक्रव्यूह तोड़ना भी बता देता हूँ, छोटा ही बताऊंगा, बहुत बड़ा करूंगा तो सेशन लंबा हो जाएगा। आजकल एक अलग आंदोलन चला हुआ है योगा का, योग साधना लोगों को लगता है कि फिजिकल एक्सरसाइज का अल्टरनेटिव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ शरीर के लिए है फिजिकल एक्सरसाइज। योग जो है वो मन बुद्धि आत्मा और शरीर को एक रिदम में लाता है, सिंक्रोनाइज करता है, उसको हारमोनी उसमें क्रिएट करता है, योगासन वो है। इस माइंड के दिमाग के को मॉडिफाइड करता है, इसको इसको विस्तार देता है योग। आत्मा जो मेडिटेशन जो है वो आत्मा की एक्सरसाइज है, मेडिटेशन जो है ये तीनों एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए योगासन, और मेडिटेशन ध्यान आत्मा के लिए, वो आत्मा को पुष्ट करता है मेडिटेशन। आत्मा की एनर्जी डिप्लीट नहीं हो सकती, अगर हर रोज आप मेडिटेशन करें तो आपकी आत्मा की एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ भी बोलेंगे 10,000 का क्राउड होगा वो सुनेगा। ओम की चैंटिंग कीजिए, ये आपको कॉस्मस से ज्वाइन करता है, अट्यून करता है, अट्यून विद द कॉस्मस, आपके माइंड को, इट इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप डिजॉल्व इन द ओशियन, ओम वो है, प्लस ओम आपकी वाक सिद्धि करता है, जब आप डायलॉग बोलेंगे थिएटर में तालियां बजेंगी, लोग सुनेंगे, जब बोलेंगे आप तो लोगों को सुनने का मन करेगा, ओम वो है। मालूम है कैसे बोलते हैं, चलिए थोड़ा सा विस्तार कर देता हूं, इसको समय है ना अशोक भाई 10 मिनट, कैसे बोलते हैं, जब भी हम कुछ देखते हैं या सुनते हैं या सूंघते हैं या छूते हैं, अपनी किसी भी ज्ञान इंद्रियों से जब ये सारी चीजें जब होती हैं, ये क्रियाएं होती, देखते हैं हम, सूंघते हैं, सुनते हैं या स्वाद लेते हैं, तो इसका रिपोर्ट जो है हमारे ब्रेन को आता है, माइंड को आता है, क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा जो है आंखों द्वारा, ध्वनि की ऊर्जा कानों के द्वारा है, स्मेल की ऊर्जा हवा द्वारा, वायु द्वारा, तो इस तरह से ये ऊर्जाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, और मस्तिष्क कहता है कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हुआ, आई मस्ट रिप्लाई, मुझे कुछ अभिव्यक्त करना है इस बारे में, इस घटना के बारे में, और मस्तिष्क कहता है मुझे बोलना है। मस्तिष्क अग्नि को कहती है कि मुझे बोलना है भाई,
अग्नि नाभि को कहती है कि मस्तिष्क को बोलना है, और नाभि से लेकर आपके सहस्त्रार तक एक वीणा है आपके शरीर में, हर किसी के शरीर में है। उस वीणा की जो तार है वो झंकृत होते हैं, कंठ तक पहुंचते हैं, कंठ से तालु, तालु से मुर्धा, मुर्धा से दंत, दंत से होस्ट, और जिह्वा के द्वारा वो बाहर निकलते हैं, अक्षर शब्द बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी तालियां। मित्र नाराज नहीं होगा, मुझे पता है तकनीक ऐसे बाहर से लादा नहीं जाता है, जो बोला गया है मुझे लगता है कि सार है, वो ब्रेक का भी सार है, भारतीय अध्यात्म का भी सार है, नाट्यशास्त्र का भी सार है। मुझे लगता है सबसे अधिक सार्थ यदि मतलब कोई सत्र हुआ है इस महोत्सव का, मुंबई महोत्सव का, तो ये आज का सत्र हुआ है। और भाई अखिलेंद्र जी, शब्द नहीं है हमारे पास, हमें मतलब आपके प्रति ये जो श्रद्धा भाव है इन बच्चों का, उसमें मैं भी शामिल हूँ, अशोक भी है, देशमुख साहब भी है, आपने आज मतलब अभिभूत कर दिया है सभी को। गॉड ब्लेस। सॉरी, हाँ, केवल मंच का चरित्र नहीं, जीने का चरित्र भी उन्होंने बताया। एक हेल्दी लाइफ यदि जीना चाहते हैं आप, सुदृढ़ जिंदगी यदि जीना चाहते हैं आप, निष्पक्ष जिंदगी यदि जीना चाहते हैं आप, आपको सौंदर्य सौंदर्य चौतरफ नजर आएगा। क्या बात है। नहीं, रहने दो, एकाध तो रहने दो थिएटर और के बिरादरी में। अशोक भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड भाई अशोक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी विद पीपल लाइक दिस। प्लीज। जो कुछ बोलना था तो अखिलेंद्र जी ने और सोनटक्के सर ने बोला है। मैं सिर्फ धन्यवाद करूँगा अखिलेंद्र जी का, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और थिएटर ओलंपिक्स मुंबई चैप्टर की तरफ से मैं अखिलेंद्र जी का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ आए। और जैसा कि सोनटक्के सर ने कहा कि इस सेशन का, इस जो चार या पांच सेशन हुए हमारे, उसका सबसे सार्थक सेशन जो है अखिलेंद्र जी मिश्रा जी का हुआ है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक थिएटर की अलग ही जर्नी, अलग ही परिभाषा जो बताई है, वो आज का जो नया एक्टर है जिसे क्विक रिजल्ट चाहिए, ये प्रैक्टिस करें, उसे क्विक रिजल्ट भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सोनटक्के सर का बहुत बहुत आभार कि वो हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं और हमारे बीच में इस तरह उपस्थित रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।